ये है गाइस LG का UT80। इसका प्राइस 50 to 60,000 में फ्लक्चुएट करता रहता है डिस्काउंट के अकॉर्डिंग। ये LG का 2024 का एक एंट्री लेवल टीवी है। 55 इंच का प्राइस बताया था मैंने आपको, 50 से 60 हज़ार के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। इसमें आपको ज़्यादा एडवांस फीचर जैसे कि HDMI 2.1 या फिर VRR वेरिएबल रिफ्रेश रेट ये सब तो आपको नहीं मिलेंगे, और 60 हर्ट्ज़ तक ही इसका रिफ्रेश रेट लिमिटेड है। लेकिन इसमें कुछ बेसिक फीचर्स हैं जैसे कि ऑटो लो लेटेंसी मोड ALLM या फिर फिल्म मेकर मोड। इसमें LG का Alpha 5 AI प्रोसेसर है जनरेशन 7 का। LG की ThinkU ऐप से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, और HDR10 Pro भी है। तो गाइस इसमें 2-स्टार रेटिंग है और साल की बस 221 यूनिट्स लेता है बिजली की। साउंड के लिए इसमें 20 वॉट के 2.0 चैनल के स्पीकर हैं जिन्हें कि आप AI Sound Pro से 9.1.2 तक अपमिक्स कर सकते हो वर्चुअली। हालांकि व्यूइंग एंगल इस टीवी का वाइड है तो आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ और टीवी शोज एंजॉय कर सकते हो सामने बैठ के, लेकिन इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो इतना हाई नहीं है और ब्राइटनेस भी इसकी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। तो अगर आपका रूम ज़्यादा थोड़ा भी ज़्यादा ब्राइट है तो आपको इसमें ग्लेयर वाला इशू हो सकता है। और ये एंट्री लेवल टीवी है तो इसमें लोकल डिमिंग भी नहीं है, तो ब्लैक्स भी आपके ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं होंगे। अपस्केलिंग इसकी ठीक ठाक है तो ये लो क्वालिटी कंटेंट को अपस्केल कर देगा और उसे स्मूथ भी कर देगा अगर आप कोई लो बिटरेट वाला कंटेंट देखोगे। लेकिन वही चक्कर है, बस ब्राइटनेस की थोड़ी कम है HDR के लिए भी, तो थोड़ा ग्लेयर वाला इशू आपको रहेगा। लेकिन रूम आपका ज़्यादा ब्राइट नहीं है, ज़्यादा लाइट्स आपने ऑन नहीं कर रखी तो आपको ये वाला ग्लेयर वाला इशू नहीं रहेगा, तो आप इन्जॉय कर सकते हो। बाकी ग्रे यूनिफॉर्मिटी इसकी सही है तो आपको डर्टी स्क्रीन स्पेक्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा आपको। टीवी का रिस्पांस टाइम थोड़ा डिसेंट ही है बस, तो कभी कभी आपको थोड़ा फास्ट मूविंग स्पोर्ट्स में थोड़ा सा ब्लर देखने को मिल सकता है। अब गेमिंग की बात कर लेते हैं, तो इनपुट लैग इसमें लो है तो गेमिंग आपकी रिस्पॉन्सिव रहेगी, लेकिन रिस्पांस टाइम बस थोड़ा डिसेंट ही है। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा फास्ट मोशन हो रहा है तो आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा। और इसमें आप गेम ऑप्टिमाइज़र भी यूज़ कर सकते हो, और गेम ऑप्टिमाइज़र यूज़ करने में कोई पिक्चर क्वालिटी कम नहीं होती तो वो भी सही है। लेकिन इसमें कोई मॉडर्न गेमिंग फीचर नहीं मिलेगा आपको, ना HDMI 2.1 मिलेगा, ना आप 4K 120 हर्ट्ज पे गेमिंग कर सकते हो, ना इसमें VRR है वेरिएबल रिफ्रेश रेट। तो अगर आप अपना PS5 या Xbox S या S या गेमिंग PC से इसमें पूरा बेनिफिट लेने का सोच रहे हो तो ये टीवी आपके लिए नहीं है। और अगर ज़्यादा रूम ब्राइट है तो भी गेमिंग का मज़ा नहीं आएगा, या तो गेमिंग आप डार्क में करना या फिर लो लाइट वाले रूम में करना। HDR मूवीज़ के लिए ये टीवी ठीक ठाक है क्योंकि ये 24 हर्ट्ज़ वाली मूवीज़ में से जडर तो रिमूव कर देता है, लेकिन ये वाइड कलर गैमट को सपोर्ट नहीं करता तो पिक्चर इतनी वाइब्रेंट फील नहीं होती। कुल मिला के गाइस ये 50,000 का बजट टीवी है। कुछ फीचर्स इसमें हैं और काफ़ी सारे फीचर्स इसमें नहीं हैं। मैं तो कहूँगा कि आप इससे बढ़िया सैमसंग का D-सीरीज़ का DU7700 ले लेना। उसका रिव्यू मेरे चैनल पर होगा या फिर मैं डाल दूँगा, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर लेना। या सैमसंग की आप C-सीरीज़ का भी कंसीडर कर सकते हो, वो भी ठीक है। ये टीवी भी ठीक है लेकिन काफ़ी सारे फीचर्स इसमें लैकिंग है। प्रोसेसर इसका सही है, बाकी इस टीवी में डॉल्बी विजन डॉल्बी साउंड इन सब फीचर्स का भी कोई मेंशन नहीं है, तो ये भी इसमें नहीं है। बहुत ही बेसिक टीवी है लेकिन कुछ फीचर्स हैं अच्छे। बाकी मेरे चैनल पे गाइस LG का लेटेस्ट 2024 का C4 हो या C3 हो या फिर LG का Q9 हो, सबके रिव्यूज़ हैं मेरे चैनल पे और बहुत ही न्यूट्रल रिव्यूज़ हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। इस वीडियो के लिए गाइस मैं ग्रेट ईस्टर्न रिटेल शॉप को थैंक्स कहना चाहूँगा। अगर आप बनारस में रहते हो तो सुंदरपुर रोड पर ग्रेट ईस्टर्न रिटेल शॉप है। इनके यहाँ बहुत सारे TV सब ब्रांड्स के अवेलेबल हैं और सारे होम अप्लायंस, आप इनके यहाँ ज़रूर विजिट करिए और बाय करिए।